मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज है सेकेंड डे. मास्क लगाना ही भूल गए थे. और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. नहा लिया है तीनों ने. देखिए शिवेना से हाय. शिवेना नहा लिया. और हम लोग फिफ्थ फ्लोर में हैं और नीचे वो है रेस्टोरेंट है. तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं. और आज हम लोग के काम भी है जो वीजा की ऑफिस यानी एम्बेसी में स्विस एम्बेसी. तो वो 12:30 में है. तो अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलते हैं. और पास में ही है ये, ज़्यादा वो नहीं. तो आगे हम लोग लिफ्ट में है ना शिवेंद्र. शिवेंद्र बहुत खुश है और रात भर बहुत अच्छे से सोए है ना शिवेंद्र. बहुत अच्छा लग रहा है अभी नींद पूरा होने के बाद. तो चलिए फर्स्ट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं. हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए. और एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ख़ासकर जो फूड्स थी, फूड्स की क्वालिटी ऐसे भी तो फाइव स्टार होटल में अच्छा ही होता है. और बहुत ही अच्छा माइल्ड थी, इतना स्पाइसी भी नहीं थी. सभी लोग आराम से, बच्चे भी खा सकते हैं. इंडियन कॉन्टिनेंटल सभी ब्रेकफास्ट मिलते हैं. तो आप लोगों को थोड़ा मैं इसकी मेनू में क्या क्या है वो दिखा देती हूँ. इसकी थोड़ा बहुत झलक. बहुत अच्छा लगा हम लोगों को खा के. इंडियन भी सभी थी. कुलचा साथ में ही, छोले भटूरे ये, और साथ में साउथ इंडियन हम लोगों के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं साउथ इंडियन की भी. सभी परफेक्ट. इसका टेस्ट भी था, बहुत ही माइल्ड था, मतलब इतना स्पाइसी भी नहीं. तो आप लोग देखिए क्या क्या इस मेनू में है. हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए. देखिए तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ रूम में. हेलो गाइस, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके आ गए और ब्रेकफास्ट एकदम सुपर थी. हम लोग की टाबी फुल हो गई है ना. और होटल की लुक टूर में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आप लोगों को. बहुत ही एलिगेंट पुराना होटल है दिल्ली की, बट बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर डिजाइन है से लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल है. मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद तो दिखाऊंगी उसके. और अभी हम लोगों को जाना है जिस काम के लिए हम लोग दिल्ली आए थे, यानी स्विस एम्बेसी में अभी जाना है. पास में ही है. हम लोग इधर रुके हैं सरेकपुरी. और स्विस एम्बेसी यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर ही है. 4-5 मिनट्स लग जाएंगे. और मेरी अपॉइंटमेंट 12:30 और शिवेन्ना की 1 PM में है. तो हम लोग उसकी अकॉर्डिंग में ही प्लान कर रहे हैं. और हो सके तो आज थोड़ा होने के बाद होप सभी अच्छा से हो जाए.
तो उसके बाद हम लोग थोड़ा कभी अगर घूमना जाना है तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। बात अभी कोविड भी है, डर भी लग रहा है, तब भी अगर आई है तो थोड़ा तो दिखना चाहिए ना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एम्बेसी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी और बहुत ही ऑसम है इंटीरियर में, रूम टूर भी दिखाऊंगी और थोड़ा बहुत होटल की टूर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी दिखाते हो शिवन्ना को, ये देखिए शिवन्ना दैदी जी जो उनके लिए लाए थे, क्या चश्मा, काला चश्मा लेके शिवन्ना है ना। शिवन्ना आज शिवन्ना की भी अपॉइंटमेंट है ना फीजा के लिए, सब हो जाए ना अच्छे से तब हम लोग डैडी के पास चले जा सकते हैं ना। तो हम लोग थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलूंगी और एम्बेसी में तो ये अलाउड नहीं है, एम्बेसी के अंदर क्या रहा रोड पे भी वो सीसीटीवी पूरा एकदम हाई टाइट सिक्योरिटी है, तो मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, पर जो भी हो सके मैं दिखाने की ट्राई करूंगी। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, अब तक के लिए बाय। हम लोग नीचे आ गए थे और अभी कैब के लिए वेट कर रहे हैं, और ये होटल से बहुत ही नज़दीक ही है, 1 किलोमीटर में ही एम्बेसी की ऑफिस जो है स्विस वो पड़ जाता है, तभी कैब में तो जाना ही पड़ेगा। और आप लोगों को होटल की थोड़ा बाहर का व्यू भी मैं दिखा देती हूँ। ऐसे तो होटल की टूर, रूम टूर और पूरा होटल की टूर की वीडियो मैंने अभी तक बना लिया है, आप लोग देख सकते हो, अगर नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और देखिए हम लोग कैब में बैठ गए हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों को दिल्ली की जो सड़कें हैं यानी रोड है उसकी व्यू भी दिखा देती हूँ। बहुत गर्मी थी, अगस्त मंथ थी तो गर्मी होगा ही, बट बेंगलोर में इतना गर्मी नहीं है तो इसीलिए भी शायद हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, और होटल के अंदर तो ऐसे ही होता है तो इतना हम लोग को फील नहीं हो रहे थे। और ये है एम्बेसी की रोड्स की व्यू, बट इतना लेना भी अलाउ नहीं है क्योंकि बैनर लिखा हुआ था कि सीसीटीवी सर्विलेंस एरिया है, आप कैमरा नहीं ले सकते। तो हम लोग एम्बेसी ऑफिस अच्छे से पहुंच गए और हम लोगों के काम जो थी वो भी 10 मिनट्स के अंदर ही हो गए हैं। और अभी मैं इसी में ही इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और जो हम लोगों की नेक्स्ट ब्लॉग आएगी वो बहुत ही ऑसम आने वाले हैं, आप लोग कनेक्टेड रहिए। तो कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।